अखिलेश यादव 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं और खास तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के ये बात कही जा रही है और इसको लेकर के अब आने वाले दिनों में वो हो सकता है कि कई अन्य दलों के साथ गठबंधन करते हुए नजर आ सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर दो तीन चेहरों की बात करें, मायावती, राजभर और कई अहम चेहरे हैं जिनको लेकर के स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है और जिस बात की संभावनाएं जताई जा रही है इस पूरे मामले को लेकर के फिर से एक बार मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है। और ख़ास तौर पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी दर्शकों के, आने वाले समय पर अगर वाकई इसको लेकर के स्थिति बदलती नजर आए, अखिलेश यादव क्या वाकई उत्तर प्रदेश में ये बड़ा खेला कर सकते हैं? चूंकि संसद के भीतर भी वो तालमेल देखने को मिल रहा है और जिस बात को लेकर के स्थिति काफ़ी ज़्यादा गहराती हुई नज़र आ सकती है। और फिलहाल अगर देखा जाए दर्शकों, इस पूरे मामले को लेकर के ख़ास तौर पर जो है ये बात कही जा रही है कि मायावती को लेकर क्या सीटों पर बात बन सकती है, कब पूरे मामले को लेकर के इस जो है मुद्दे को लेकर के तमाम तौर पर ये चर्चाएं हैं और राजनीतिक विश्लेषकों की जो है तमाम बातें कही जा रही है उनसे जुड़ी हुई कि अखिलेश यादव अब पूरे तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं और विधानसभा चुनाव में आपको बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है जिस बात की संभावनाएं भी पूरे तौर पर नजर आ रही है। ख़ास तौर पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी दर्शकों कि अगर आने वाले समय पर इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो राजनीतिक बहसबाजी का दौर चल रहा है और ख़ास तौर पर इसको लेकर के जो स्थिति बनती नजर आ रही है, क्या मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आते हैं तो CM फेस को लेकर के मामला फंसता हुआ नजर आ सकता है और जिसको लेकर अभी से ही चिंताएं बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।